Hello students, linear equation in two variable के last video में मैं आपके लिए सारी की सारी multiple choice problems लेके आया हूँ। इसमें मैं MCQ question discuss करूँगा, वो सारे question जो आपके NTSC, KVPY और भी कोई competition exam, IJSO अगर आप देना चाहें, उन सारे examination के लिए काफी important है। इसके concepts के लिए प्रीवियस वीडियो देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ x एंड y आर बोथ नेगेटिव सॉल्यूशंस, देखिए x एंड y बोथ नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट्स में देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसके साइंस क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए ये x इधर पॉजिटिव होगा और इधर x क्या होगा, देखो नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं x o x डैश। क्लियर, x o x डैश। ये जो लाइन है आपके पास y एक्सिस कहलाती है, y o y डैश, ये देखिए ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सारा मैं रिवाइज करा देता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, x क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, तो इसमें क्या होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, x पॉजिटिव और y क्या होता है नेगेटिव, और ये ओरिजिन। तो ये इनके साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए, इफ x एंड y आर बोथ नेगेटिव सॉल्यूशंस, नेगेटिव सॉल्यूशन होंगे इसका मतलब किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जैसे -3, -2 आया, या -k, -k आया, या -k1, -k2, अगर ये आपके पास इस तरह का अगर आपके पास आता है तो उस कंडीशन में देखिए ये आपके पास है, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए बोथ हर नेगेटिव सॉल्यूशन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे, मूव टू सेकंड क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, देखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस पी वाई प्लस सी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है एक्स पॉजिटिव, तो एज्यूम करिए जैसे एक्स प्लस टू और वाई क्या हो गया प्लस थ्री, ये अगर मैं कॉन्स्टेंट लू तो देखो प्लस के वन और प्लस के टू, कुछ भी ले सकते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं एम और एन पॉजिटिव। देखिए एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अब आप देखिए एक्स और वाई पॉजिटिव दोनों किस क्वाड्रेंट में, देखो इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो ये देखिए प्लस के वन और प्लस के टू, देखो ये बस दोनों सेम है, तो इसको के के लिख सकते हैं, देखिए के के, तो बोथ आर पॉजिटिव सॉल्यूशन अगर इस इक्वेशन की, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये इक्वेशन इक्वेशन वही है स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में, ax + by + c। नाउ मूव टू, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों, थर्ड पार्ट, द ग्राफ ऑफ अ लाइन इक्वेशन कट द y एक्सिस। देखिए अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस पर क्या होता है, देखो x equals to 0 और equation of x axis पर क्या होता है y 0, तो जब भी आपको ये निकालना होता है point y axis पर, तो इसमें क्या substitute कर दीजिए, put x equals to 0, सबसे easiest method है x को 0 रखें, तो 0 - 3y = 6, तो देखिए -3y = 6, तो y equals to क्या के देखिए -2, देखिए y coordinate किसी का -2 है, बाकी alternate आपको देखने की जरूरत ही नहीं, देखिए -2। यह इसका एक अप्रोच और है, नेगेटिव अप्रोच, आप सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट करें जो इसको सेटिस्फाई कर देता है और जिसमें y एक्सिस में x 0 हो, तब देखिए वैसे भी आप गेस लगाएं तो x 0 इसी पॉइंट में, तो मैं डायरेक्टली में गेस इसी पॉइंट पे लगाता हूं। अब देखिए इसमें कट द x एक्सिस, देखिए x एक्सिस है तो y 0 होना चाहिए, देखो x एक्सिस है मेरे पास, x एक्सिस पर y 0 होना चाहिए, तब देखिए y किस पर 0, एक ही पॉइंट पर 0, देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से की गई, देखिए ये एग्जॉस्ट, ये क्वेश्चन देखिए एनटीएससी में पूछा गया था, ठीक है, x एक्सिस y 0, अब देखिए आप फाइंड करें इसमें y को 0 पुट करें, देखिए अपन आंसर राइट है कि नहीं है, देखिए जो अपन ने गेस लगाया तो देखो 4x + 0 = 16, दिस इंप्लाइज 4x = 16, तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4, देखिए देखिए, तो देखिए x इक्वल टू 4 है और y क्या हो गया 0, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 4, 0। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y को 0, में रेसिप्रोकल 0 होता है, x में y 0 होता है और y में क्या होता है x 0 होता है। नाउ मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू वन। देखिए जो भी इक्वेशन है, जो भी सॉल्यूशन है इक्वेशन के, वो हमेशा इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये थर्ड पार्ट के वीडियो में अपन ने देखा था। देखो इक्वेशन आपके पास क्या है, देखो 2x plus 3y equals to k। अब सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, x equals to 2, तो 2 रखिए, 2 into 2, 3 into 1 equals to क्या हो गया k। तो क्या होगा देखो 4 plus 3 equals to k, तो k equals to क्या मिलेगा मुझे 7। ये देखिए तो k equals to 7 मुझे क्या मिल गया, आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन का सिमिलर पार्ट देखिए, if 4 3 lies on the graph of the equation then value of k, सेम क्वेश्चन है 4 3। अब देखो x कितना हो गया 4, y कितना हो गया 3, सिमिलर क्वेश्चन देखिए तो पैटर्न चेंज है, तो 3 into 4 equals to ky, y कितना 3 plus 7 देखिए, तो 12y equals to 3k plus 7, तो 3k plus 7 equals to 12, आप implies और लगा लें, जब सॉल्व करते हैं तो 3k equals to क्या होगा देखो 5, तो k equals to कितना मिलेगा देखो 5 upon 3। ये देखिए दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल जैसे मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में, 2 वेरिएबल हैं तो इसमें x और y की कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x और y जितनी वैल्यू आप चाहें उतनी पुट कर सकते हैं, इसमें क्या होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ध्यान से देखिए इसमें वन वेरिएबल है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ देखो 5x plus 15 equals to 0, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x equals to minus 15, तो x equals to क्या हो गया देखो minus 15 upon 5, तो x equals to क्या आ गया minus 3। देखिए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर वन वेरिएबल में है तो आपके पास उसका सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक, ध्यान रखें वेरिएबल वन तो सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, अगर वेरिएबल टू है तो क्या होगा इनफाइनाइटली many solution, क्योंकि आपके पास एक ही equation है, single equation है। Now move to next question, ninth. देखिए again, the solution of a equation x minus 2y equals to 4. या तो देखिए इसका आप graph बनाएं, और बाकी इसमें सबसे easy approach क्या है, value put करते जाएं। देखो x को मैंने 0 रखा, x को 0, y को 2, तो minus 2 into 2 equals to कितना मिल रहा, minus 4, जबकि मेरे पास क्या है 4 RHS। तो देखिए 2 रखा, 2 substitute करिए, ये a हो गया। तो 2 अगर आप रखेंगे तो देखिए 2 कॉमा 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो रहा है 2, नॉट इक्वल्स टू RHS, ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। 4 कॉमा 0 c रखें तो 4 माइनस 2 इनटू 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 4 इक्वल्स टू क्या हो गया RHS, ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी आप चाहें तो चेक कर लें ये क्या होगा गलत होगा। देखिए ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है। अब देखिए सेम जैसा मैंने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था फोर्थ क्वेश्चन में, any point on the line y equals to minus x, तो देखिए इसमें जैसे x में 1 लेता हूं देखो तो y equals to मुझे क्या मिल रहा है देखो minus 1, x को मैंने 1 लिया y minus 1, अगर मैं x को 2 लेता हूं तो देखो y क्या मिल रहा है minus 2, x को मैं अगर minus 3 लेता हूं तो देखो y minus 1 क्या हो जाएगा plus 3। तो देखिए आप x equals to इसको k की फॉर्म में लिखिए थे ये 1 है, तो अगर x को मैं k लेता हूं तो x को मैं k लूंगा तो y मुझे क्या मिलेगा माइनस के, देखिए के माइनस के, देखो इसको चाहे ऐसा 1 माइनस होना, प्रैक्टिस से डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया आपको माइनस 3 तो क्या होगा 3, तब x को अगर आपने k लिया है तो y क्या हो गया देखो माइनस के, फर्स्ट आंसर इज राइट। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन है इन दोनों कंपैरिजन में, 10th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ देखिए द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 5, अब देखिए इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ x axis, देखो equation of x axis क्या होता है y equals to 0, और equation of देखो y axis क्या होता है आपके पास x equals to 0। तो देखिए x equals to यहाँ क्या है constant है, x equals to constant है, देखिए x equals to k, clear? तो x इसके previous video में मैंने पूरा discuss किया था x equals to k, तो ये क्या होगी equation of a line parallel to y axis, देखिए y axis के जो parallel है ये आपके पास होगा at a distance of 5 unit from the origin, चाहे तो आप इसको draw करके देख लें, ये y axis है, y axis की equation क्या होती है, x equals to 0, तो x equals to 5, ये वाली line आपके पास बन जाएगी, x equals to 5, similarly, x equals to 3, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, reciprocate, x का, x equals to 3 है, तो y, देखो, x equals to 3 है, तो x equals to, अगर आपके पास 3 है, देखिए, तो equation of y axis, देखो, x equals to constant है, clear?
तो सेम क्वेश्चन है, 5 की जगह मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो सेम आंसर होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, 5 की जगह क्या कर दिया आपके पास, 3 कर दिया गया। ठीक है, द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 इन टू वेरिएबल, अब टू वेरिएबल में है तो देखिए y इक्वल टू 5 है, ये देखो इसमें तो x क्या होगा, 0 होगा, यही तो होगा, देखो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0, तो x का 0, देखिए x इसमें 0 नहीं है तो ये गलत, x इसमें 0, ये आप आंसर राइट है, चेक करिए, लेकिन यहाँ y भी क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसलिए आंसर आपको क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, y क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अब देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि x 0 नहीं, ये देखिए x 0 और 1, ये आपका आंसर है। अब देखिए x equals to 9, y equals to 4 is the solution of the linear equation. इसमें कुछ भी नहीं करना, जो सब्स्टिट्यूट करिए सबसे इजीस्ट तरीका, जैसे पहले भी किया था अपन ने क्वेश्चन, तो अब 9 टू जा 18, देखो 9 रखा, 9 टू जा 18, 17 से ग्रेटर तो ये नहीं हो सकता मेरा सॉल्यूशन, यहाँ रखे 9 और 4 13, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, 9 और 4, ये देखो 9 और 4 टू जा 8, देखो सी आंसर आ रहा, देखो चेक कर लेते हैं, x equals to 9, 2 into 4, तो देखो 9 plus 8 equals to कितना आ गया, 17, ये देखिए आपका सॉल्यूशन है, से आपके पास आंसर क्या 14। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट एंड सेम एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस है, प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छे से बताया ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2, 0, ये कोई पॉइंट लीजिए -2, 0, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, देखो वाई 0, तब इसमें वाई कहां 0, इसी में 0, ये आपका आंसर, देखिए कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म सेम, ये देखिए अभी एक्स एक्सिस है, इसको y एक्सिस कर लीजिए, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पर क्या होगा, x 0 होगा, तो ये आपके पास आंसर हो गया 16। नाउ 17, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज अ फॉर्म, देखिए अभी इसमें सॉल्यूशन है तो वैल्यू पुट करके रखिए कोई सही पॉइंट, जैसे मैंने 0 0 रखा सबसे पहले, तो देखिए 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 इसको भी कर रहा है, 0 0 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, जब कांस्टेंट आ जाता है लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, 0 0 आपको रख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कोई सा ये पॉइंट रखे -3, 3, देखो x, अब ध्यान से देखिए इसमें x यहाँ लिखा हुआ, तो ये -3 जो वैल्यू किसकी है, x की, y की वैल्यू कितनी है, 3, तो देखो क्या होगा, 3 -3, तो देखो क्या हो गया, 3 + 3 कितना आ गया, 6, नॉट इक्वल टू 0, देखिए इसका मतलब ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, अब सेकेंड वाले की तरफ मूव करिए, देखिए सेकेंड वाला, देखिए इसमें रखिए -3, देखो x, x आपके पास क्या रखा, देखो x आप रखेंगे -3 और y 3, -3 + 3, 0, तो ये आपका आंसर राइट है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, थर्ड पॉइंट को चेक कर लीजिए, इसमें राइट कर रहा नहीं कर रहा, तो थर्ड पॉइंट देखिए आपके पास है, थर्ड पॉइंट क्या है, 3, -3, इसको भी रख के देख लीजिए, तो ये 3, x की जगह क्या रखेंगे, 3 और y की जगह -3, सेम है, 3 - 3 = 0, तो राइट है। इक्वेशन पर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, अब 8 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से अबव है, इसका मतलब k क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू क्या होगा, 8, अगर ये बिलो होती है, बिलो द ओरिजिन, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ मूव टू 19 क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y, अब यहां x, x को मैं k मान लेता हूं, तो y इक्वल टू कितना होगा, 3k, अगर x को मैं k मानता हूँ, देखिए यहाँ a ले रखा है, तो x को मैं a लेता हूँ, तो y equals to कितना होगा, देखो 3a, ठीक है, x को मैं a लेता हूँ, y 3a, यही फर्स्ट वाले आंसर राइट है। इसमें देखिए which of the following ordered pair, देखिए solution x - 2y = 6, ये ले लीजिए, देखिए x - 2y = 6, तो इसमें पुट करके रख दीजिए, जैसे x को मैंने 2 रखा, देखो 2 - 2 × 4, तो ये देखो ये नहीं कहेगा, 6 नहीं आएगा, 0 रखा तो 0 - 3, ये भी नहीं आएगा, देखो -4 रखा, -4 और 1, देखो इसको देखिए -4, ये देखिए -4 और 1, तो क्या हो गया -2, इससे भी नहीं आ रहा, तो 4 रखिए, 4 और -1, देखिए इससे आ जाएगा, देखिए 4 और -1, देखिए 4 रखिए, तो 4 - 2 × -1, तो देखो क्या होगा, 4 + 2 = कितना आ गया, 6, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया डी, क्लियर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें देखिए 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताएं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप इनको सॉल्व करिए, डेफिनेट चैप्टर समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो प्रीवियस वीडियो देखिए, इसको जरूर लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।